दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म दामिनी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस वीडियो के लिए आप में से ही 25 लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को दबा के इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दामिनी एक वोमेन सेंट्रिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसको 30 अप्रैल 1993 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में हमें नजर आई थी मीनाक्षी सेशाद्री, रिशी कपूर, सनी देओल, अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंडा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने और इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी राजकुमार संतोषी और सुतानु गुप्ता ने मिलकर। हालांकि राजकुमार संतोषी इसके पहले भी सनी देओल और मीनाक्षी सेशाद्री के साथ 1990 में सुपरहिट फिल्म घायल बना चुके थे, जो कि उनकी बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर पहली डेब्यू फिल्म थी। इसके पहले वो सन 1982 में आई दो फिल्में अर्धसत्य और विजेता में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर चुके थे। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने और टोटल 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। इस फिल्म के अधिकांश गाने कुमार सानू ने गाए थे और फिल्म के गाने उस टाइम पे बहुत पसंद किए गए थे। फिल्म के गाने बहुत ही एवरग्रीन और मेलोडियस थे जो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, जैसे जब से तुमको देखा है सनम, गवाह है चांद तारे गवाह है और बिन साजन झूला झूलूं। ये गाने एवरग्रीन सॉन्ग हैं और आज भी हर कहीं सुनने के लिए मिल जाते हैं। फिल्म दामिनी लाइटनिंग एक वोमेन सेंट्रिक फिल्म थी जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक अकेली लड़की इंसाफ पाने के लिए पूरे समाज से लड़ती है और इस फिल्म को बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट वोमेन सेंट्रिक फिल्म कंसीडर किया जाता है। इस फिल्म में मीनाक्षी सेशाद्री का रोल बहुत ही दमदार था और उन्होंने इस फिल्म में अपने कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। और फिल्म दामिनी उस टाइम पर बनी फिल्मों में काफ़ी अलग सब्जेक्ट पर और काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाई गई फिल्म थी। उस टाइम पर लोग नॉर्मली एक्शन फिल्में या रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते थे और ये एक सोशल, वोमेन सेंट्रिक और रेप जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी। और इस फिल्म का सब्जेक्ट इतना अलग होने के बावजूद भी लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। इस फिल्म के लिए उस साल सनी देओल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था राजकुमार संतोषी को और बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था सुतानु गुप्ता को। साथ ही साथ बेस्ट म्यूजिक के लिए नदीम श्रवण को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे इस फिल्म के बजट के बारे में कोई डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का एक अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 11.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी और ये सन 1993 की 6वें नंबर की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि दुख की बात यह है कि इस फिल्म में मीनाक्षी सेशाद्री के इतने दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल पाया था। हालांकि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड जूही चावला को मिल गया था उनकी फिल्म हम हैं राही प्यार के लिए। और 2 घंटे 55 मिनट की इस फिल्म को 7.8 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म रिलीज के टाइम पर राजकुमार संतोषी फिल्म के प्रोड्यूसर से काफ़ी नाराज थे क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सनी देओल के बड़े बड़े पोस्टर शहर में चारों तरफ लगा दिए थे और फिल्म के पोस्टर में ज़्यादातर ऋषि कपूर को इग्नोर कर दिया था, जबकि ऋषि कपूर इस फिल्म में एक लीड एक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। राजकुमार संतोषी सनी देओल को फिल्म में पब्लिसिटी के लिए यूज करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि फिल्म के पोस्टर्स पर सनी देओल की एक छोटी सी झलक दिखाई दे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने जस्ट इसका अपोजिट किया था। सनी देओल की बड़ी बड़ी फोटो फिल्म के पोस्टर्स में लगाई गई थी और ऋषि कपूर को एज अ सेकेंडरी एक्टर दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में पहले सनी देओल के कैरेक्टर में ओमपुरी को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और ओमपुरी के सेक्रेटरी के बीच में ओमपुरी की फीस को लेकर काफ़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद राजकुमार संतोषी ने सोचा कि इस फिल्म के लिए सनी देओल भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि जैसा कि फिल्म घायल में ओमपुरी का कैरेक्टर एक सरप्राइज कैरेक्टर रखा गया था, वैसे ही फिल्म दामिनी के लिए सनी देओल का कैरेक्टर एक सरप्राइज कैरेक्टर साबित हो सकता है और शायद लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाए। और फाइनली सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म को लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने के बाद इस फिल्म के अलग अलग भाषाओं में काफ़ी सारे रीमेक्स भी बन चुके हैं, जैसे कि तेलुगु में उर्मिला, तमिल में प्रियंका, बांग्लादेश में सौटेयर बिजॉय और उड़िया में नारी नोहेंतु नारायणी। और फिल्म के ये सारे रीमेक्स भी लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए गए थे। और तमिल में बनी इसकी रीमेक फिल्म प्रियंका, जिसमें हमें एक्ट्रेस रेवाती नजर आई थी, ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में हमें पहली बार सनी देओल और आमिर खान एक साथ नजर आए थे। हालांकि फिल्म में किसी भी सीन में वो हमें एक साथ नजर नहीं आए थे। आमिर खान ने इस फिल्म में एक कैमियो रोल प्ले किया था और मीनाक्षी सेशाद्री के साथ
वो इस फिल्म के गाने बिन साजन झूला झूलू में नजर आए थे। हालांकि आमिर खान फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म अंदाज अपना अपना में भी एक साथ काम कर रहे थे और राजकुमार संतोषी की रिक्वेस्ट पे ही आमिर खान ने इसमें कैमियो रोल प्ले किया था। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल और आमिर खान माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल 1990 में एक ही दिन रिलीज हुई थी और उसके बाद सन 1996 में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की फिल्म घातक और आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी एक ही महीने में रिलीज हुई थी और उसके बाद सन 2001 में सनी देओल की फिल्म गदर और आमिर खान की फिल्म लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ऋषि कपूर को जब इस फिल्म की स्टोरी सुनाई तो उस टाइम पर फिल्म में 3 पॉजिटिव कैरेक्टर रखे गए थे। पहला ऋषि कपूर, दूसरा एक वकील और तीसरा एक शराबी, जहां पे ओमपुरी पहले वकील का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे और शक्ति कपूर एक शराबी का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, लेकिन बाद में राजकुमार संतोषी ने इन दोनों कैरेक्टर को मिला के एक कैरेक्टर बना दिया था और इस तरह से सनी देओल का शराबी वकील वाला कैरेक्टर निकल के सामने आया था। हालांकि इस बात से ऋषि कपूर काफी नाराज हुए क्योंकि इस बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिल्म में बने रहने का डिसाइड किया। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के पहले फिल्म की एक्ट्रेस मीनाक्षी सेशाद्री और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके बाद राजकुमार संतोषी इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को कास्ट करने वाले थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर के बीच में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से ऋषि कपूर ने डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने श्रीदेवी को भी अप्रोच किया, लेकिन उस टाइम पर श्रीदेवी की फीस बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से बाद में राजकुमार संतोषी फिर एक बार मीनाक्षी सेशाद्री के पास गए और उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में हमें ऋषि कपूर के छोटे भाई के कैरेक्टर में अश्विन कौशल नजर आए थे और इस फिल्म में उन्हें इसलिए साइन किया गया था क्योंकि उसी टाइम पर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अश्विन कौशल की बहन तनुश्री कौशल के साथ सगाई की थी और वो तनुश्री कौशल को अपनी फिल्म अंदाज अपना अपना में भी कास्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और तनुश्री कौशल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई थी। फैक्ट नंबर 8, ये फिल्म सनी देओल के कैरियर के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई थी, जिसने सनी देओल की एक्शन हीरो वाली इमेज को भी तोड़ दिया था। हालांकि इस फिल्म में वो हमें इंटरवल के बाद नजर आते हैं, लेकिन फिल्म में उनका रोल और डायलॉग बहुत ही पावरफुल थे। फिल्म के कुछ डायलॉग जैसे तारीख पर तारीख और ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, इन डायलॉग्स के लिए लोगों ने थिएटर में खड़े होकर सीटियां और तालियां बजाई थीं और सनी देओल को इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और सनी देओल के पूरे कैरियर में उनको केवल 2 नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं और दोनों ही अवार्ड थे उनकी फिल्म घायल और दामिनी के लिए। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट रवीना टंडन ने भी एक रोल प्ले किया था, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से रवीना टंडन के रोल को फिल्म से हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स पहले ऋषि कपूर के रोल में जैकी श्रॉफ को कास्ट करने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर राजकुमार संतोषी और जैकी श्रॉफ के बीच कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जैकी श्रॉफ ने ये रोल करने से मना कर दिया था। बाद में इस बात के लिए राजकुमार संतोषी से कई इंटरव्यू में पूछे जाने के बाद राजकुमार संतोषी ने बताया कि जैकी श्रॉफ पे केवल बड़े भाई वाले रोल सूट करते हैं और वो फिल्म के रोल के लिए परफेक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म में नहीं लिया गया। फैक्ट नंबर 11, फिल्म दामिनी लगभग 6 महीने के अंदर ही बनके तैयार हो गई थी और दिसंबर 1992 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे मुंबई में हुए कम्युनल राइट्स की वजह से बहुत ही कम या कोई भी फिल्म नवंबर 1992 से मार्च 1993 तक रिलीज नहीं हुई थी और उस टाइम की सारी बड़ी फिल्में जैसे परंपरा, छत्री, किंग अंकल और दामिनी जो कि नवंबर या दिसंबर 1992 के आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इन फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया था और मुंबई में जब तक माहौल शांत नहीं हो गया था तब तक इन फिल्मों को रिलीज नहीं किया गया था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म में राजकुमार संतोषी पहले लीड एक्ट्रेस के लिए जेबा बख्तियार को कास्ट करने वाले थे और वो इस फिल्म का ऑफर लेके जेबा बख्तियार के पास गए। जेबा बख्तियार एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और ऋषि कपूर के साथ सन 1991 में हेना जैसी हिट फिल्म बना चुकी थी, लेकिन फिल्म दामिनी के कैरेक्टर के लिए जेबा बख्तियार के सेक्रेटरी ने ही राजकुमार संतोषी को मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में मीनाक्षी सेशाद्री के कैरेक्टर को पब्लिक के द्वारा और क्रिटिक्स के द्वारा बहुत पसंद किया गया था और मीनाक्षी सेशाद्री को लगता था कि उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल सकता है, लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की जगह लॉरियल्स अवार्ड दिया गया था और उस टाइम पर ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थी कि मीनाक्षी सेशाद्री इस बात से काफ़ी नाराज हो गई हैं और उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का मन बना लिया है।
हालांकि देखा भी जाए तो मीनाक्षी सेशाद्री की 1993 में आई फिल्म दामिनी के बाद केवल एक बड़ी फिल्म आई थी, सन 1996 में सनी देओल के साथ घातक। इसके अलावा उनकी बॉलीवुड में कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दामिनी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और बॉलीवुड में अब तक बनी सोशल मैसेज वाली फिल्मों में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी फिल्म आई थी वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने उस घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।